अमीर भाई ध्यान से सुनो इस बात को, आपको बुरा लगेगा बट एक बात बताता हूँ। लोग ना मुझे बोल रहे थे कि आप कस्टम बनाओ, मैं बोला कस्टम बनाओगा चलो, मैंने बोला प्रो, एकदम प्रो वाला कस्टम बनाओगा, तो लोगों ने बोला एकदम प्रो वाला कस्टम होगा तो हम जीत नहीं पाएंगे, कुछ बोर्ड को भी इन्वाइट कर दो। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अमित भाई को इन्वाइट करूंगा। म्यूजिक तो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप? तो आज हम आए एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज हम करने वाले ऐसे बंदे के बारे में बात, मतलब वो बंदा नहीं जिसे देखते ही मुझे कतई छिपकली की याद आ जाती है, ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि हम किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी गालियों के भी। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, तो भाई लोग पहले आप ये क्लिप देख लो। मतलब मैं ऐसी दस महीने हो गए, हाँ लगता है ऐसी, मतलब मैं बहुत परेशान था। मेरे को लगता था मैं सबसे बुरा खेलता हूँ फ्री फायर, मेरे को कुछ खेलना नहीं आता, कुछ काम का नहीं हूँ मैं, ऐसा वैसा बहुत सोच रहा था मैं पहले। लेकिन एक दिन मतलब अचानक से मैं यूट्यूब पे ऐसे घूम रहा था, तो यूट्यूब के घूमते घूमते मेरे को दिखी अमित भाई की लाइव स्ट्रीम। वाह, फिर अमित भाई की लाइव स्ट्रीम मैंने देखी, फिर मेरे को इतना सुकून मिला। मेरे को लगा कि ऐसा है कोई बंदा मेरे साथ कि जो मुझसे भी बुरा खेल सकता है। फिर उस दिन से मैंने फ्री फायर वापस से खेलना स्टार्ट कर दिया। मैंने बीच में बंद कर दिया था, लेकिन मेरे को लगता था कि मैं सबसे बुरा खेलता हूँ इसलिए। लेकिन जब से मैंने अमित भाई की मतलब लाइव स्ट्रीम देखी, तब से मेरे को लगता है कि कोई बंदा है जो मुझसे भी बुरा खेल सकता है। तो चलो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़। तो भाई लोग यार, इस बंदे का अभी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। मेरे को तो यार विश्वास ही नहीं होता इस बंदे के 10 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे क्या हो गए। मेरे को तो कभी कभी लगता है इसने अपने 10 मिलियन फेक आईडी बनाकर अपने आपको खुद सब्सक्राइब किया होगा, ऐसा मेरे को कभी कभी लगता है। लेकिन यार जिस बंदे ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है ना, वो बंदा यार वो सारे के सारे लेजेंड बंदे हो गए, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। बिकॉज इस बंदे को जो सब्सक्राइब कर रहा है यार, मैंने तो इस बंदे को यार अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, इस मतलब इस बंदे का चैनल मेरे को पता भी नहीं था, लेकिन वैसे मेरे को पता चल गया। लेकिन मैं इस बंदे को थोड़ा सा सपोर्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे से बुरा कोई खेल सकता है इसलिए। तो भाई लोग यार, इस बंदे की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या होती है, फैक्ट्री टॉप चैलेंज ऐसा वैसा कुछ, बिकॉज इस बंदे को यार कुछ खेलना ही नहीं आता है। ये सिर्फ फैक्ट्री के ऊपर उतरता है, एक दो बंदे मारता है, फिर फैक्ट्री के ऊपर थोड़ा सा सर्वाइव करता है, फिर क्या फिर बुआ मार लेता है। इस बंदे को यार खेलना नहीं आता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो देख लो आप, फैक्ट्री टॉप चैलेंज। तो यार इस बंदे को कुछ खेलना नहीं आता, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो भाई लोग यार, मैं सिर्फ एक बात से परेशान हूँ, मतलब इस बंदे के यार 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए यार। जो बंदा इतना मेहनत करता है, मतलब बहुत मेहनत करता है यूट्यूब पे, पूरा दिन रात एक कर देता है, तो यार उस बंदे को अच्छे खासे व्यूज़ नहीं मिलते, और ये बंदा ऐसे नूब वाला गेम प्ले, फैक्ट्री टॉप चैलेंज ऐसा वैसा करके यार स्क्रिप्टेड वीडियो बना के यार इतने सारे व्यूज़ हड़प लेता है। यार मेरे को इस बात से यार मैं बहुत परेशान हूँ यार, मतलब। तो चलो हम इस पॉइंट पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ते। तो भाई लोग यार, तुम ये वाली क्लिप देखो। तो इस क्लिप में यार अमित भाई वर्सेस अज्जू भाई हो रही थी, और यार तुम लोग देखो अज्जू भाई कैसे मरते हैं इस क्लिप में, मतलब 1v1 में कैसे मरते हैं देखो। अगर कोई बॉड भी होगा ना अज्जू भाई, तो देखो वो फायर करेगा, लेकिन अज्जू भाई सीधे भागती हुआ यार, मतलब तुम लोग समझ रहे हो कुछ यार। कोई बॉड भी होता तो वो यार फायर करेगा एक दो गोली यार, लेकिन अज्जू भाई सीधा भागती हुई यार। यार कितना स्क्रिप्टेड यार, इतना स्क्रिप्टेड यार मैंने देखा नहीं यार। और तुम लोगों को लगता होगा ये बैकग्राउंड में वीडियो है, ये अदर सर्वर का, ये स्क्रिप्टेड नहीं होगा, लेकिन ये भी स्क्रिप्टेड है। अगर जो लोग मतलब देख रहे ध्यान से इस वीडियो को, जो बैकग्राउंड में गेम प्ले चल रहा है, तो उन लोगों को समझ आएगा कि ये भी स्क्रिप्टेड है। तो यार मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन यार अज्जू भाई वर्सेज अमित भाई यार, इसमें अज्जू भाई बोलता है एक राउंड तू जीत यार, एक राउंड मेरे को जीतने दे, फिर ऐसा ही होता है यार। लेकिन यार मेरे को समझ में नहीं आता यार, अमित भाई इतने नूब होते हुए कैसे कैसे जीत जाते हैं वो कस्टम। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि यार तुम लोग ऐसे चुतियों को मतलब सपोर्ट मत किया करो, ऐसे यार स्क्रिप्टेड वीडियो ऐसे वैसे ऐसे चुतियों को सपोर्ट मत किया करो यार। इससे भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर है यार, नाम नहीं लूँगा, लेकिन इससे भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर है, उनको सपोर्ट किया करो यार। ऐसे चुतियों को सपोर्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा खुद का चुतिया कट रहा है यार, फुकट फाकट यार। तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर देते हो यार, इसलिए हमारा भारत महान नहीं है,
मतलब लोग कहते हैं हमारा भारत महान है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से नहीं, इन दोनों लोगों की वजह से भारत महान नहीं है। लेकिन ये दो लोग करे तो क्या करे, उनको पता है कि हमारे भारत में कितनी चुतिया लोग हैं कि जो मेरे को सपोर्ट करेगी। इसलिए यार मैं बोलता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि तुम लोग ऐसे चुतियों को सपोर्ट मत किया करो। तो यार तुमको अभी करना है तो करो, मेरे को मेरा तो कुछ जा रहा नहीं है। तुमको भारत मान नहीं करना तो मत करो। तो चलो हम वीडियो ख़त्म करते हैं अभी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं अरे यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं।